नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद उपस्थित हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है रेप विक्टिम्स का मेडिकल। कोई महिला किसी भी व्यक्ति पर अगर रेप का एलिगेशन लगाती है तो उसका सबसे मेजर एविडेंस होता है मेडिकल प्रूफ। मेडिकल प्रूफ होता क्या है? कोई भी महिला अगर ये कहती है, कोई भी लेडी ये कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो उस एवज में उसका मेडिकल जांच करवाया जाता है विद इन 24 आवर्स। जिस दिन वो घटना बताती है कि कल मेरे साथ घटना हुई है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका मेडिकल करवाना जरूरी है, तभी मेडिकल में कुछ आ सकता है। अब किस सेक्शन के तहत करवाया जाता है, किस सेक्शन के तहत करवाया जाता है और क्यों करवाया जाता है और क्या क्या मैंडेटरी है इस मेडिकल में, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा और समझाऊंगा। सबसे पहले मैं सेक्शन डिस्क्लोज कर दूं आपको कि 164A के तहत किसी भी रेप विक्टिम का मेडिकल करवाया जाता है। 164A कहता क्या है कि कोई भी लेडी जो एलिगेशन लगा रही है उसका मेडिकली एग्जामिनेशन करवाना मैंडेटरी है, और वो भी जिस दिन वो एलिगेशन लगा रही है उसके ठीक 24 घंटे के भीतर भीतर। 24 घंटे से अगर ऊपर हो गया तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल जांच नहीं होगा, मेडिकल जांच होगा, परंतु उसमें भी कई सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि डॉक्टर पूछते हैं और उसके बाद मेडिकल जांच करते हैं। इनके अलावा मेडिकल जांच के पहले लड़की का कंसेंट लेना जरूरी है फॉर द इंटरनली पार्ट एग्जामिनेशन। इफ एनी डॉक्टर एग्जामिन एनी इंटरनल पार्ट ऑफ द विक्टिम गर्ल, ही हैज टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ दैट विक्टिम और फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम। ये मैंडेटरी है, यानी किसी भी महिला के द्वारा जो आरोप लगा रही है उसका मेडिकल जांच अंदरूनी करने के पहले उससे लिखित में कंसेंट लेना पड़ता है, यानी उसका हामी भरवानी पड़ती है और लिखित में वो लिख कर देगी कि यस आई एम रेडी टू मेडिकली एग्जामिनेशन इंटरनली, या फिर अगर वो नहीं राजी होगी तो लिख कर देगी कि मैं अपनी अंदरूनी जांच नहीं करवाना चाहती। कौन करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन? मेडिकल चीफ ऑफिसर, एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एनी प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर जो MBBS हो और जो रजिस्टर्ड हो। जरूरी नहीं MBBS, MD भी हो सकता है, तब भी वो कर सकता है, परंतु रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो। इसमें कहता क्या है, क्या क्या होना चाहिए इस मेडिकल प्रूफ में या मेडिकल चीजों में, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहले द नेम एंड एड्रेस ऑफ द वुमन, ऑफ द पर्सन एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम शी वाज ब्रॉट। यानी कोई भी महिला अगर वो एलिगेशन लगा रही है तो वो किसके साथ आई है अपना एग्जामिनेशन करवाने के लिए, और कौन उसके साथ आया है और कौन लेकर आया है, उसका नाम पता, ये सारी चीजें उसमें लिखी जाएंगी। दूसरा, उस महिला का उम्र जो अपने आप को कह रही है कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, जो विक्टिम है रेप की, उसकी एज। तीसरा, DNA के लिए जो जो मटेरियल लिए गए उन चीजों को डिस्क्राइब किया जाएगा कि क्या क्या DNA के लिए लिया गया है, उससे सैंपल्स में क्या क्या कलेक्ट किए गए। चौथा, किसी तरह का कोई भी मार्क, एनी मार्क यानी एनी इंजरी अगर महिला के बॉडी पे उपस्थित है तो उसको भी नोट डाउन करना जरूरी है उस मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। पांचवा, उस महिला का दिमागी स्थिति किस कंडीशन में आई है, उसकी मेंटल स्थिति क्या है, वो सारी चीजें डिस्क्राइब करेगा डॉक्टर। छठा, कुछ और भी चीज अगर विक्टिम के द्वारा बताई जा रही है तो उनको भी रिकॉर्ड करेगा और उनको रिकॉर्ड करने का रीजन भी लिखेगा कि मैं इसलिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर लिख रहा है तो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए वो बकायदा लिख कर देगा कि मैं इस वजह से ये चीजें लिख रहा हूं।
इस रिपोर्ट के आधार पे स्टेट एक कंक्लूजन पे, यानी सरकार, सरकार नहीं जज साहब या प्रोसिक्यूशन कह लीजिए, प्रोसिक्यूशन एक स्टेज पे पहुंचेगा जहां कि उस डीएनए या उस मेडिकल के आधार पर ये प्रूव होगा कि ये विक्टिम के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये कितने हद तक सही हैं और कितने हद तक गलत हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें विक्टिम की एग्जामिनेशन करने के बाद ही निकल के आ जाती है कि हाँ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था एग्जैक्टली। ये था 164A का पूरा पूरा डिस्क्राइब, कौन करेगा, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या वो नोट डाउन करेगा। किसी भी रेप विक्टिम का मेडिकल 164A के तहत किया जाता है और सारी चीजें डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाएंगी, लिखी जाएंगी, लेकर कौन आया था, किसके साथ आई है, कंसेंट है या नहीं है, ये सारी चीजें डिस्क्राइब होंगी। 164A का ध्यान रखेंगे। ये था आज की वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज जो भी आपके जानकार हो उन तक ये शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।